व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक डेली की सब्जी को बहुत ही स्पेशल ढंग से बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूं न्यूट्री और आलू की सब्जी। तो बने रहे मेरे साथ और देखें इसके बनाने का तरीका। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही यमी बनता है और सबों को बहुत पसंद आता है। तो देखें इसे और बनाएं, और अगर पसंद आए तो अपने जानने वालों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और हमें लाइक करें। और जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक माइक्रोवेव सेफ बोल में कटे हुए आलूओं को डालें, पानी इसके लेवल में डालें और इसे 900 वाट पर 8 मिनट तक माइक्रोवेव कर लें। इतना देर में आलू गल जाएगा। आलूओं को छान लें, इसे ठंडा होने दें और एक तरफ रख दें। एक मीडियम साइज कप से एक कप भरकर न्यूट्री नगेट ले लें और इसे बॉयल करें, फिर इसे छान लें और ठंडा होने दें। बॉयल्ड आलू के पीसेस को हल्का सा तल लें। अब बॉयल्ड न्यूट्री नगेट को दबा दबा कर पानी निकाल लें। अब 2-3 टेबल स्पून बेसन को घोल लें, जिसमें नमक और हल्का मसाला मिला लें। ये हमारा बेसन का प्रीमिक्स है, जिसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसे घोल लें और इसी में हमें अपना न्यूट्री नगेट लपेटना है। अब आप बेसन की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल शहद जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसे लपेट लें और हल्के हल्के इसे तेल में फ्राई कर लें। एक पैन में तेल गरम कर लें और उसमें न्यूट्री नगेट को डालें। हल्का सा पकते ही इसे निकाल लें। अब तलने के बाद न्यूट्री इस तरह का हो जाएगा। अब आलू और न्यूट्री को एक तरफ रखें और मसाला तैयार करें। अब एक प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, काजू, जीरा, जावित्री और एक टमाटर का बारीक पेस्ट मिक्सी पॉट में बना लें। गरम तेल में दालचीनी का एक टुकड़ा डालें। अब बारीक कटी हुई एक प्याज डालें और इसे ब्राउन कर लें। अब प्याज गुलाबी हो चला है तो यहाँ टमाटर वाला मसाला डालें और फ्लेम को धीमा कर लें। अब यहीं पर सारे पाउडर मसाले डालें। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालें, 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून या स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब सारे मसाले को कुछ देर तक अच्छी तरह से भून लें। कुछ ही मिनट में मसाला भुना सा हो चुका है, लेकिन अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है, तो इसमें अभी थोड़ा पानी और डालें। और ये मैंने मसाले को जो पीसा है वही बचा हुआ पानी है, उसको डालकर इसे कम से कम 3-4 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहना है। अब सरफेस पर तेल दिखने लगा है तो मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना जा चुका है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और सब्जियों को डालेंगे। तो अब सब्जी में आलू और न्यूट्री को मिला लें, इसमें बॉयल आने दें और थोड़ी देर इसे पकने दें। तीन चार मिनट तक ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं
सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कितनी खुशनुमा दिख रही है, बिल्कुल लाजवाब सब्जी। आप इसे पुलाव के साथ खाएं, चपाती के साथ या नान के साथ। और जो ख़ास चीज़ है वो है इसकी बरियां। आप देख सकते हैं न्यूट्री कितना अच्छी तरह से पका है। तो फाइनली इस पर डाली कसूरी मेथी और कटी हुई धनिया की पत्ती। जिन लोगों को कसूरी मेथी पसंद नहीं वो इसे छोड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस सब्जी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये सब्जी बहुत पसंद आने वाली है। ये डेली की सब्जी स्पेशल ढंग से बनाएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। हमें इजाज़त दें। थैंक यू।